गाइड करेंगे कि एसी की जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम सबके एसी में आती है, जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी जो एसी है बेड के ऊपर लगा है और जैसे ही आपको नींद लगने वाली हो और उसी समय एसी से टपाटप टपाटप पानी जो गिरने लगे तो काफी टेंशन काफी गुस्सा आ जाती है। या एसी जो है थोड़ी सी बेड के साइड में भी लगी है तो पानी अगर बेड पे आ रही है या फर्शी पे गिरती है तो काफी दिक्कत होती है, हमें बाल्टी वगैरह रखने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें इसको ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है। तो मैं आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल और सरल टिप्स गाइड करता हूं, हो सकती है इसी तरह से अगर आप फॉलो करें तो आपकी जो एसी से पानी जो गिर रही है उसको बहुत सिंपल और सरल तरीके से ठीक कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, जस्ट एग्जांपल हमारी जो एसी है हम इसको एग्जांपल तौर पर लेकर बताते हैं कि आपको अपनी एसी पे क्या करनी है। तो देखिए एसी जो है यहाँ पर दीवार पे लगी होती है और जस्ट दीवार के बाहर छेद होकर इसकी ड्रेनेज पाइप लगी होती है जिससे पानी जो है बाहर जाता है। यदि पानी जो बाहर नहीं गई तो पानी यहाँ पर ये जो स्लाइडर दिख रही है इसी स्लाइडर के पास से नीचे इन जगहों से पानी जो है टप 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 टपकने लगती है और काफी दिक्कत होती है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल और इजी तरीका है। तो क्या करेंगे, घर पे जो आयरन इंडक्शन या कोई भी जो बिजली की उपकरण होती है उसमें इस तरीके से जो केबल लगी होती है पतली सी, वो केबल बहुत अच्छा काम कर लेती है। तो यहाँ पर ये जो केबल की टुकड़ा है उसे लेनी है और आप क्या करेंगे, जस्ट एग्जांपल ये जो हमारी एसी है इसे हम एग्जांपल लिए हैं, तो दीवार के पीछे जो एसी की ड्रेनेज पाइप जो निकली होती है तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल, इस तरीके से जो पानी की पाइप ड्रेनेज बाहर निकली होती है तो इसमें आपको ये जो घर में जो छोटी छोटी उपकरण जो होती है मिक्सी या इंडक्शन या आयरन इस तरीके से कुछ केबल होती है बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल पतली सी जो केबल होती है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इस कंडीशन में क्या करें, ये जो ड्रेनेज वाली पाइप होती है इस पाइप में ये जो केबल होता है इसको बिल्कुल अंदर की ओर डालेंगे बिल्कुल इस तरह से घुमा घुमा कर इसको, तो ये बिल्कुल इसको इस तरह से अंदर डालेंगे तो ये जो केबल है इसकी जो पाइप निकली हुई है वहां जो कचरा अटक गई है वहां तक चले जाएगी और जैसे ही ये केबल थोड़ी सी अंदर चले जाएगी पूरी, फिर इसको केबल को इस तरह से हिलाकर बिल्कुल अच्छे से साफ करेंगे तो कचरे के साथ पानी भी बाहर आ जाएगी। और दोस्तों सिंपल सा, आपकी जो एसी में कचरे अटक जाने के कारण पानी जो अंदर गिर रही थी उस प्रॉब्लम को बहुत सिंपल और सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपकी जरूर हेल्प हुई होगी और आप अपनी एसी की वाटर लीकेज पानी गिरने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे यही हमारे लिए टिप्स होगी। दोस्तों आशा करता हूँ हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।